80 दिन से भी ज्यादा समय से, एक लंबे अरसे से हिसार जिले के क्रांतिकारी गांव खेदड़ में थर्मल प्लांट के मुख्य गेट के सामने ग्रामीणों और किसानों का धरना चल रहा है। और मुद्दा है गौशाला को बचाने का, मुद्दा है गाय को बचाने का, राखी का टेंडर ना हो और तमाम वो लंबित मांगे जो प्लांट प्रशासन को और हरियाणा सरकार को पूरी करनी है, उन मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और प्लांट का प्रशासन आंख बंद करे बैठा है। शांति और धैर्य से लंबा आंदोलन चल रहा, लेकिन सरकार और प्रशासन बातें नहीं सुन रहा है ग्रामीणों और किसानों की। अनेकों फैसले लिए गए हैं और साथियों 8 जुलाई को एक बड़ा निर्णय वहां की कमेटी ने महापंचायत में लिया कि हमने तमाम तरीके अपना करके देखे, सरकार को खूब समय दिया और अब भी हम 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं कि वो हमारी बात सुने, सभी मांगों को पूरा करे। अन्यथा साथियों 8 जुलाई के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है कि 8 जुलाई को जो प्लांट का रेलवे ट्रैक है जिससे कोयला आता है, उस रेलवे ट्रैक को अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया जाएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सरकार गूंगी और बहरी बन करके बैठी है। मेरी हरियाणा के सभी किसानों से, नौजवानों से, खापों से और सभी किसान संगठनों से ये अपील, प्रार्थना और निवेदन है कि 8 जुलाई को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक के ऊपर पहुंचने का काम करें, खेदड़ के किसानों को न्याय दिलाएं, ग्रामीणों को न्याय दिलाएं, गायें और गौशाला बचाने के लिए बड़ी ताकत में हजारों हजारों की संख्या में खेदड़ के रेलवे ट्रैक पे, प्लांट के रेलवे ट्रैक पे पहुंचने का काम करें। हम सब मौजूद रहेंगे और पूरी ताकत के साथ गायें और गौशाला बचाने के लिए हरियाणा सरकार को झुकाने का काम करेंगे, दबाव बनाने का काम करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और जोरदार तैयारियां करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।